Yes, student, welcome here again on my channel, Jankar Hit, myself Hit, Abhilashi Sharma. एक बारी फिर थोड़ी नाल अकाउंटेंसी नाल रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल ते ने इकनोमिक्स ते होर बहुत सारे टॉपिक जिहड़े तुसी जानकारी दे चैनल ते देख सकते हो। ते अज असी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करांगे अकाउंटेंसी नाल रिलेटेड सबसिडरी बुक्स की ने, इहदे नाल रिलेटेड डिटेल दे भी जानकारी सांझी करांगे। लेट्स मूव हैड विद मी विद टूडेज़ कॉन्टेंट। यस स्टूडेंट, जदों प्लस वन लैवल दे उत्ते कॉमर्स ज्वाइन करके अकाउंटेंसी दा सब्जेक्ट करदे आ तां बच्चों दे मन दा एक डर हुंदा है जिसनूं ओह खोलदे चले जांदे ने, जर्नल एंट्रीज आन लग जांदियां ने, फिर लैजर पोस्टिंग आन लग जांदी है, ते इस तरह महसूस हुंदा है कि सानूं सचमुच बड़ा प्रैक्टिकली असी बड़े एक्सपर्ट हो गए। यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। बट फॉर प्रैक्टिकल परपज पॉइंट ऑफ व्यू, जदों तुसी कल बीकॉम कर जांदे हो एक्चुअल अकाउंटेंसी के फील्ड के सी ए बन के या एम बी ए करने बाद फील्ड के निकलते हो, उत्थे तुसी देखोगे कि एक बिजनेस के जिवें साड़ी बुक्स के होंदियां ने 8, 10, 15, 20 एंट्रीज इन्नियां नहीं होंदियां। एक दिन के दौरान ही 1,000, 2,000, 10,000 एंट्रीज भी हो सकदियां ने। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। तो उस हालत जरा सोच के देखो, जिमें असी प्लस वन लैवल के उत्ते पहला जर्नल दे विच एंट्रीज करना सीखा, उन्होंने रिकॉर्ड करना किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस तो बाद उन्होंने जर्नल एंट्रीज नू लैजर दे विच पोस्ट करते हैं ताकि एक क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन मिल सके सानू। स्टूडेंट्स, कदे सोचे है कि जे एंट्रीज हंड्रड्स दे विच या थाउजेंड्स दे विच ने किस तरह जर्नल एंट्रीज होनगियां, एक व्यक्ति किमें उन्होंने एंटर करेगा, फिर एक एक अकाउंट की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन करन दे लई लैजर दे विच पोस्टिंग करेगा। इट्स रियली वेरी टफ, वेरी इनकनवीनियंट, वेरी लेंथी, ईवन कोस्ट वाइज भी देखा जाए वेरी कोस्टली एज वैल, तो बड़ा मुश्किल भी है। प्रैक्टिकली एवें लगता है कि आलमोस्ट इंपॉसीबल है। इस करके ही तो बड़े बिजनेस हाउसिज के जिथे बहुत सारिया ट्रांजैक्शनज होंदियां ने उत्थे एक्सपर्ट्स ने एक चीज़ देखी टाइम एंड अगेन, क्योंकि जो कोई सब्जेक्ट अगे वध है तो उस नवी चीज़ा देखने को मिलती ने कि बिजनेस ज़्यादा ट्रांजैक्शन केड़िया हो रही ने, उन्होंने ज़्यादातर असी भी महसूस करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के आम तौर पर ज़्यादातर चीज़ा इनवॉल्व होंगे ने, कैश, बैंक परचेज, सेल्स परचेज रिटर्न, सेल रजिस्टर, कुछ यहोजी ट्रांजैक्शन बार बार होंदिया ने। क्यों ना बिजनेस दे विच काम दे सारे वर्ड नू एक थां ते सेंट्रलाइज करन दे नालों उन्हों वंड दिता जावे, अड अड बुक्स होन ताकि क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन पहला ही बुक्स दे विच जदों असी जर्नल एंट्रीज तरह रिकॉर्ड करिए पहला ही वो क्लासीफाइड होवे, वर्गीकृत रूप साढ़े सामने आ सके, सानू पता होवे बिजनेस की परचेज किनी है, सेल्स किनिया ने, कैश की पोजिशन है, असी उन्हों जान सकीए। इस सब दे लई ही सबसिडरी बुक्स साढ़े सामने आई हैं। सबसिडरी बुक्स नाम तो पता लग रहा है जिस दे बारे असीं अज गल कर रहे हैं इस टॉपिक दे विच, सबसिडरी बुक्स सहायक किताबां। सहायक किताबां की ने, आओ इहदे बारे गल करदे हां। अज थोड़ी जानकारी लई दसां, सबसिडरी बुक्स नूं सब जर्नल्स भी कहिंदे ने क्योंकि जर्नल दे इक पार्ट देखण नूं लगदा है, क्योंकि सबसिडरी बुक्स ताकि काम नूं आसान बनाया जा सके, कुछ डिफरेंट टाइप दियां जिहड़ियां बिजनेस ट्रांजैक्शन इहनां नूं पहलां ही क्लासीफाइड कर दिता जावे, इसलिए सबसिडरी बुक्स की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि जर्नल ते लैजर दे नाल जिथे बहुत सारिया ट्रांजैक्शन ने उत्थे चीज़ां नूं क्लासीफाइड करना बहुत एक लंबा प्रोसैस ही। मान लो तुहाडी जर्नल की बुक्स 800 पेजां दी होवे, उहदे विचों किस तरह एक एक टाइप की ट्रांजैक्शन लभोंगे, तो बैटर यह सी कि बिजनेस दीआं जिहड़ियां मेन टाइप दीआं ट्रांजैक्शन होंदियां ने उन्हां नाल रिलेटड एक अलग बुक लगा ली जाए। इन्हां किताबां नूं ही असीं सबसिडरी बुक्स कहिंदे आ जिहड़ियां डिफरेंट रूप दे विच लगाईआं जांदीआं ने बिजनेस नूं दे विच रिकॉर्डिंग नूं आसान बनाउण दे लई, क्योंकि सबसिडरी बुक्स के नाल काम आसान बन जाता है, पहले ही क्लासीफाइड हो जाता है, किसी भी समय असी कोई इन्फॉर्मेशन लभ सकते हैं, फ्लैक्सीबिलिटी पाई जाती है, कन्वीनियंस होती है, साड़ी कोस्ट बचती है, बहुत सारे फायदे ने जिस करके सबसिडरी बुक्स बिजनेस के लिए बड़िया हैल्पफुल होंदिया ने जिथे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होंदिया ने। आओ गल करते हैं कि टाइप्स ऑफ सबसिडरी बुक्स की ने, सबसिडरी बुक्स दियाँ किनिया किस्मां ने। मैं पहला दस्या सी जिवें बिजनेस दे विच मेन टाइप दियाँ ट्रांजैक्शन किनिया ने, उन्हां दे हिसाब नाल ही ज़्यादातर देखा गया कि उन्नी टाइप दियाँ सबसिडरी बुक्स सानूं देखने को मिलदियां ने, जिहदे विच सब तो पहली टाइप ऑफ सबसिडरी बुक है कैश बुक। कैश बुक इज सच अ बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट ईवन इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। कैश बुक दे विच सारे कैश ते बैंक नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंदियां ने, सानू पता है बिजनेस दी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश बुक दे विच
ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਬਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਸਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਹਜੇ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਲਸ ਪੇਵਲ ਬੁੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਸ ਪੇਵਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਬੁੱਕ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਦੈਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ 8 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਬੁੱਕ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈਜ਼ਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ 4 ਟਾਈਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਡਬਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੈਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਟ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡੇਥ ਪਰਟੀਕੁਲਰਸ ਲੈਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ
इसे तरह जिमें कॉलम लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते ने राइट हैंड साइड के भी सेम कॉलम ने। थोड़ी जानकारी लिए कल मैं होर दसा कि जी डेबिट साइड होंगी है कैशबुक की, ये रसीट साइड है प्राप्ति साइड, जो भी कैश बिजनेस में रिसीव होएगा तो डेबिट साइड के उत्ते पोस्टिंग होनी है, तो टू वो जी रिकॉर्डिंग है नोट पोस्टिंग जी रिकॉर्डिंग है वो कितने होनी है डेबिट साइड के उत्ते होनी है, तो टू नाल शो करना उस अकाउंट में जिहड़ा बिजनेस के विच कैश रिसीव करन दा कारण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सानू बिजनेस नू किसे तरह भी रेंट प्राप्त होया तो कैश रिसीव हो रहा है डेबिट साइड से टू रेंट आ जाएगा। इस ढंग के नाल आपां जदों न्यूमेरिकल क्वेश्चन करांगे इहनूं होर क्लीयर करांगे। तो उस तो बाद क्रेडिट साइड है जिहड़ी इहदी पेमेंट साइड है, जदों भी कैश पेमेंट के रूप च बिजनेस चों आउट गोइंग होएगा बाहर जाएगा, जदों भी बिजनेस किसी नूं भुगतान करेगा कैश के रूप के विच, दैन इट विल बी शोइंग ऑन क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड रिसीट साइड है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है, कैशबुक के विच ये ध्यान रखियो। पैसे का जदों भी आएगा किसी ट्रांजैक्शन दे करके डेबिट साइड से, जदों जाएगा पेमेंट कर रहा बिजनेस तो उदों क्रेडिट साइड से, किस डेबिट साइड से टू दे नाल क्रेडिट साइड से बाय दे नाल जिवें असीं आम लैजर पोस्टिंग दे विच दिखांदे सी। एक गल होर, बहुत सारी बुक्स के विच लैजर फोलियो दे नाल एक कॉलम होंदा वी नंबर। वी नंबर की होंदा वाउचर नंबर, यस ये ध्यान रखियो। मैं तुहाडे नाल एक गल की थी कि कैशबुक ओरिजिनल एंट्री बुक है जदों एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई। एक होर याद रखो, जदों भी एक्चुअल बिजनेस दे विच कैश रिसीव होंदा है जां पेमेंट होंदी है, एवें नहीं हो सकता, तो कोई प्रूफ भी होना चाहिए। जिहड़ा कैशियर है जो कैशबुक दे विच रिकॉर्ड कर रहा है वह किस हिसाब नाल कर रहा है, वह कस्टमर नूं देखना नहीं करता। उहदे कोल जो भी व्यक्ति कैश की पेमेंट कर रहा है जां रिसीव कर रहा है उसनूं एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ दिंदा है, उस प्रूफ नूं असीं वाउचर कहिंदे हां। उस वाउचर का एक नंबर हुंदा है, जदों भी बिजनेस किसी नूं पेमेंट करदा है तां उहनूं पेमेंट दिंदे समय उस वाउचर ते रिसीव करवा लिया जांदा पैसा, वह वाउचर नंबर आएगा। जेकर बिजनेस नूं पैसा प्राप्त हुंदा है तां बिजनेस किसी नूं वाउचर दे उत्ते साइन करदा है ते वह वाउचर का नंबर उत्थे शो करेगा, ते डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के तौर पर बिजनेस के जिहड़े कैशियर्स ने अपने कोल संभाल के भी रखते हैं कि ये वाली कैश ट्रांजैक्शन किस वाउचर नंबर के अंडर किस कारण हुई है। क्लीयर, इस सिंगल कॉलम कैशबुक परफॉर्मा तुहानूं स्पष्ट हो गया होना। उस तो बाद है डबल कॉलम कैशबुक, जस्ट दी सी दिस परफॉर्मा, परफॉर्मा आलमोस्ट सेम है। जिहड़ा अमाउंट वाला जां कैश वाला कॉलम सी उहदे नाल दोनों साइड ते एक एक कॉलम होर है। एक किहड़ा किहड़ा हो सकदा है समझो, एक तां कैश कॉलम उसे तरह ही होएगा, कैश दे नाल डिस्काउंट कॉलम भी हो सकदा है, कैश दे नाल बैंक कॉलम भी हो सकदा है, क्योंकि दो कॉलम होणगे तां इहनूं डबल कॉलम कैशबुक कहिंदे ने। जेकर डिस्काउंट वाला कॉलम है तां दोनों साइड ते होएगा इसे तरह कैश, ते जेकर कैश दे नाल बैंक वाला कॉलम है तां उस हिसाब दे नाल कैश दे नाल बैंक वाला कॉलम डेबिट ते क्रेडिट साइड ते होएगा। लेकिन इहदे विच रिकॉर्ड करन दा सेम ढंग है, जदों रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शनस नूं ये ध्यान रखियो कि डेबिट साइड रिसीट साइड, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। बैंक च भी जेकर कोई पैसा जमा हो रहा है, बिजनेस का बैलेंस इनक्रीज हो रहा है डेबिट साइड से, जे बैंक के विच चैक के थ्रू पेमेंट की जा रही है किसी नूं तां क्रेडिट साइड से, जिवें मैं कैश कॉलम के बारे दस्या सी सेम बैंक के नाल ट्रीट किया जाता है। सो डबल कॉलम कैश दे विच या तां कैश ते बैंक कॉलम हो सकते हैं, या बैंक ते डिस्काउंट हो सकते हैं, या कैश दे नाल डिस्काउंट हो सकता है, कोई भी दो चीज़ां शो कीतियां जाण दोनों साइड्स दे उत्ते, दैट इज़ डबल कॉलम कैश बुक। तो हुण तुहाडे विच डिस्काउंट दे बारे इनफॉर्मेशन की है ये मैं तुहाडे नाल शेयर करना जदों मैं ट्रिपल कॉलम की गल करांगा। जस्ट यू स्टूडेंट, डबल कॉलम का परफॉर्मा देखो सेम ही है, डेट पर्टिकुलर उस तरह लैजर फॉलियो, फिर की है साढ़े कोल कैश भी हो सकता है, कैश दे नाल बैंक, कैश दे नाल डिस्काउंट, बैंक दे नाल डिस्काउंट, कोई भी दो कॉलम जो लैफ्ट हैंड साइड ते ने सेम राइट हैंड साइड ते, फॉर्मेट आई थिंक क्लीयर। एंड द थर्ड वन इज़ द ट्रिपल कॉलम कैशबुक। ट्रिपल कॉलम कैशबुक वो है जिदे विच डेट पर्टिकुलर लैजर फॉलियो दे कॉलम दा सेम ने, डेबिट दे क्रेडिट साइड दा ट्रीटमेंट भी सेम है, पर तीन तीन कॉलम होणगे कैश, डिस्काउंट ते बैंक। इहदे विचों किसनूं पहलां डिस्काउंट दिखाता फिर कैश दिखाना जां बैंक, ये तुहाडे अपने ते डिपेंड करदा, इहदा कोई प्रोपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। पर जिस सीकुएंस असीं डेबिट साइड ते इह कॉलम दिखाने ने डिस्काउंट, कैश ते बैंक, इसे सीकुएंस असीं क्रेडिट साइड ते शो करांगे तां कि उहदे नाल जिहड़ा बैलेंसिंग करनी ईजी हुंदी, एंड इट लुक्स गुड ते कन्वेंशनल भी है। इह ध्यान रखियो, तीन कॉलम हो गए डिस्काउंट, कैश ते बैंक, सेम क्रेडिट साइड ते, बाकी सारे कॉलम उसे तरह अकाउंट लैजर पोस्टिंग की तरह बनया हुआ है। डेट पर्टिकुलर जिम्मे असी लैजर्स बनाने उस तरह का अकाउंट है, बट लिटल बिट डिफरेंस, डेट पर्टिकुलर लैजर फॉलियो
डिस्काउंट कैश एंड बैंक सेम सारा क्रेडिट साइड से डेबिट साइड रसीट साइड क्रेडिट साइड पेमेंट साइड हूँ मन च क्वेश्चन पैदा हो रहा होना कि डिस्काउंट का रसीट से पेमेंट की होंगी है स्टूडेंट सानू सारा पता डिस्काउंट दो तरह का ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट कैश बुक के कैश डिस्काउंट ही आएगा पर डेबिट साइड से ध्यान रखो ये दोनों डिस्काउंट अलग अलग ने यह कोई रसीट एंड पे पेमेंट कैश की तरह नहीं है जोड़ा डेबिट साइड का डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड होंगे ये बिजनेस का एक तरह का लॉस है जोड़ा बिजनेस किसी को अलाउ करता जल्दी कैश रिसीव कर लालच के रूप में देने दे तो यदा डैबिट बैलेंस होंगे जो डैबिट साइड से है तो क्रैडिट साइड जो डिस्काउंट का कॉलम है जिम्मे इतने देख रहे हो तो वह जो कॉलम है वह डिस्काउंट रिसीवड है वह बिजनेस की एक तरह की इनकम है एक गल होर ध्यान रखियो जिमें असी लैजर के बैलेंसिंग करते कैश बुक की भी बैलेंसिंग होंगी है कैश के डैबिट साइड का टोटल करा क्रैडिट साइड का टोटल करा तो उस तो बाद जो डिफरेंस है वह एज ए बैलेंस शो करके दोनों साइड का टोटल मिला देंगे तो सेम बैलेंस अगे कैरी डाउन करके ब्रॉड डाउन कर लेंगे इट्स ओके तो डिस् बैंक के नाल भी सेम कंडीशन है पर कैश का बैलेंस हमेशा डैबिट होंगे ध्यान रखियो पर बैंक का बैलेंस क्रैडिट हो सकता है बैंक का बैलेंस जनरली बैंक से पैसे जमा होंगे ने सानू लगता है कि बैंक का बैलेंस तो डैबिट ही होंगे नहीं क्रैडिट भी हो सकता है जो भी कस्टमर बैंक के खास करके बिजनेसमैन है जोड़ा इन्हों बैंक के ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिली हुई होंगी है तो उदो बैंक का बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट कहें जो बिजनेसमैन ने जिन्ना पैसा जमे उस तो भी ज़्यादा पैसा कढ़वा लिया हो उदों ही कढ़वा सकता है बैंक ने उन्होंने एक लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट तक वो पैसा कढ़वा सकता है तो वो जे एक्सट्रा पैसा कढ़वा सकता है जिहड़ा कि वो अकाउंट से जमा भी नहीं बट वो बैंक उस बिजनेसमैन तो इंट्रस्ट चार्ज करता है एवं फ्री च नहीं दिता क्लीयर हो गया तो उस हालत बैंक का बैलेंस क्रैडिट हो सकता है प्रैक्टिकली सो इतें भी एवं डिपेंड करेगा जो बैंक की बैलेंस करा डैबिट साइड का टोटल ऐड करा क्रैडिट साइड का टोटल ऐड करा उन्हों का डिफरेंस करके देखा जिड़ी साइड ज़्यादा हुई उन्हें बैलेंस दूसरी साइड से दिखा के असी टोटल कर देंगे तो इस ढंग के नाल बट एक गल याद रखो डिस्काउंट कॉलम का कदे भी बैलेंस नहीं होंदा बिकॉज बोथ डिस्काउंट कॉलम्स आर रीप्रजेंटिंग डिफरेंट अकाउंट एक डिस्काउंट अलाउड है एक डिस्काउंट रिसीव्ड है क्लीयर डिस्काउंट का असी बैलेंस नहीं करना दीज आर द फॉर्मेट ऑफ थ्री टाइप ऑफ कैश बुक वन इज़ द सिंगल कॉलम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड लिटल बिट टेक्निकल दैट इज पैटी कैश बुक यस यू अंडरस्टैंड चौथी टाइप की जी कैश बुक है वो पैटी कैश बुक बिजनेस के कैश न रिलेटड बहुत सारिया ट्रांजैक्शन होंदिया ने तो बहुत सारे खर्चे बहुत थोड़े थोड़े होंगे ने पांच पांच दस दस रुपए के पाँह पाँह रुपए के ये मेन कैशर के उत्ते बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी हैल्प के लिए एक आम व्यक्ति एक आम इंप्लाई उन्हों थोड़ा कैश दे के थोड़े खर्च कर अधिकार दिता जाता है तो उस कैशियर असी पैटी कैशियर कहने पैटी कैशियर पैटी कैश बुक मैनेज करता है पैटी कैश बुक के बारे जो डिटेल्ड असी नमेरिकल क्वेश्चन करा मैं उदो तो दसूँगा अच्छ सिर्फ असी फॉरमेट की गल करते हैं क्योंकि पैटी कैश बुक एक सिस्टम का इंप्रैसड पैटी कैश बुक सिस्टम वो तुम्हें मैं उस वीडियो क्लीयर करूँगा जिथे पैटी कैश बुक के डिटेल नमेरिकल क्वेश्चन करा तो हूँ पैटी कैश बुक का फॉरमेट में जेकर असी नज़र मारी तो सब तो पहला देखो ये भी दो टाइप के अगे एक सिंपल पैटी कैश बुक एक कॉलनर पैटी कैश बुक जिथे असी खर्चों भी अगर क्लासीफाइड कर देने अड अड वर्गीकृत करके दिखाने तो सब तो पहला सिंपल जड़ा पैटी कैश बुक है वह फॉरमेट देखो यदा कोई डैबिट क्रैडिट साइड नहीं होंगी जिमें कैश बुक के दसिया फॉरमेट टोटली डिफरेंट है सब तो पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड साफ दिख रहा है कि इतने जो भी अमाउंट पैटी कैशियर मेन कैशियर तो मिलता है वो शो करना है फिर CBF है कैश बुक का फोलियो नंबर क्योंकि कैश बुक न मैनेज करने वाला कैशियर ही पैटी कैशियर पैसे देता है तो जिथे वो इनू कट्ठे पैसे देगा वह पेज नंबर कैश बुक का इतने लिखा जाएगा उस तो बाद डेट आएगी जिस डेट में होंगे तो असी अमाउंट रिसीव सारा बैलेंस लिख के उस बैलेंस में इतने ए ब्रॉड डाउन कर लेंगे जेकर पिछला कोई बैलेंस है तो नवा जिहड़ा कैश रिसीव किया है उन्होंने इतने रिसीव कर लेंगे उस तो बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम है फिर वाउचर नंबर उस तो बाद लैजर फोलियो तो अमाउंट पेड जो पेमेंट की जाएगी वो इसी सिंगल या सिंपल पैटी कैश बुक नोट सिंगल इट्स ए है तुहाडे कोल सिंपल पैटी कैश बुक का फॉरमेट ये असल च पोस्टिंग किमें करी दी है किमें रिकॉर्ड करना है असी बिजनेस ट्रांजैक्शन नू इहदी एक अलग वीडियो तुहाडे सामने इस चैनल पर आएगी ये जिहड़ी सेकंड टाइप पैटी कैश बुक है यह है कॉलमनर पैटी कैश बुक और क्लासीफाइड पैटी कैश बुक भी कह सकते हैं इतने अगे पैटी एक्सपेंसिज़ छोटे खर्चों भी अगे वर्गीकृत करता
एडवरटाइजमेंट का अलग दिखाता, स्टेशनरी के खर्चे अलग दिखाते, कैरिज का अलग दिखाता, वेजिज का अलग दिखाता, पोस्टेज का अलग दिखाता, इस टाइप के खर्चों को सारे अलग अलग कर दो ताकि बिजनेस में यह पता लग सके जो छोटे खर्चे ने वह भी किस किस टाइप के किन्ने किन्ने ने। उन्होंने दिखाने के लिए फॉर्मेट देखो, सब तो पहला कॉलम वो ही अमाउंट रिसीव्ड जिरा कि पैटी कैशर अमाउंट प्राप्त होएगा, अमाउंट रिसीव्ड आएगा, फिर कैश बुक का पेज नंबर, इतने CBF लिखा हुआ, उस तो बाद डेट, डेट तो बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर तो बाद वर्चुअल नंबर, ये तो पता है, अमाउंट पेड, इतने तक के कॉलम देखो सारे के सारे सिंपल पैटी कैश बुक वाले ने। इस तो बाद अमाउंट पेड तो बाद असी उस पे किए हुए हर अमाउंट को अगे वर्गीकृत करा जिस टाइप का भी वो खर्चा है, ये डिपेंड करेगा, ये कोई फिक्स कॉलम नहीं होंगे, तुम्हें 4 बनाने ने, 5 बनाने ने, 6 बनाने, डिपेंड्स अपॉन द वरायटी ऑफ पैटी एक्सपेंसिज आ बिजनेस है। एक बिजनेस जिन्हें भी छोटे छोटे खर्चे ने उस टाइप के पैटी एक्सपेंसिज के कॉलम बनी चल जाते हैं। तो कुछ एक्सपेंसिज असं इकट्ठे करके भी दिखा सकते, जिम्मे पोस्टेज एंड टैलीग्राम, डाक घर संबंधित खर्च, प्रिंटिंग ते स्टेशनरी का एक्सपेंसिज, कैरीज है, इस तो इलावा संड जे कोई एक्सपेंसिज किसी भी नहीं आता वैसे संडरी एक्सपेंसिज दिखा सकते हैं, वेजिज हो सकदियां ने, इस तो इलावा कुली का खर्चा हो सकता है, किसी लेबर का खर्चा हो सकता है, रिक्शा का कोई खर्चा हो सकता है, इस टाइप की असं वरायटी बना सकते हैं। तो जेकर सूँ लगता है 4-5 कॉलम बन गए, बाकी सारे ऐसे संडरी एक्सपेंसिज शो हो जाते हैं। क्लीयर हो गया, लास्ट के विच ध्यान रखियो एक रिमार्क्स का कॉलम होंगे, जी चीज़ कितने क्लीयर नहीं असं उत्थे शो कर सकते, एक लैजर फॉलियो का कॉलम होंगे, ये लैजर फॉलियो के जितने असं जितों पैटी कैश बुक के एक्सपेंसिज की लैजर पोस्टिंग करनी है। एक गल होर, एक कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट नूं देखो तो देखो कि साढ़े कोल जिहड़े वरायटी ऑफ सबसिडी बुक्स ने किहड़ियां-किहड़ियां ने, अगे हर टाइप की सबसिडी बुक्स का फॉर्मेट उहदे नाल संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाली वीडियो होणगीआं इस चैनल ते। फिलहाल इन्हां चीज़ों नूं दोबारा ध्यान नाल देखो कि सबसिडी बुक्स की ने, क्यों जरूरत महसूस हुई, किहड़ियां-किहड़ियां ने, 8 टाइप की जिहड़ी असीं कीतियां उहनां नूं तुसीं देखो, तो आने वाले समय च होर वीडियोज़ का इंतजार करो, बहुत सारिया वीडियोज़ ऑलरेडी ने, तो नैक्सट वीडियो बड़ी जल्दी थोड़े नाल मैं शेयर करने वाला है कैश बुक के न्यूमेरिकल पार्ट की, जिसे कैश बुक के एक्चुअल रिकॉर्डिंग होंगी किमें है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े नाल शेयर करने वाला आने वाली वीडियो के विच। तो आई थिंक सारा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा, नवी वीडियो का इंतजार करो, जेकर इस कोई कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं उस पार्ट द्वारा जाके देखो, नीचे कमेंट बॉक्स अपना कमेंट दो, एंड थैंक यू वेरी मच।